रामगढ़ क्षेत्र में बनैली नदी में पानी आने से स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को हो रही दिक्कत। रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से भी कई गांव में बाढ़ का खतरा। दो दिन के बाद भगवानपुर से मिला नगीना खो नदी में बहे 14 वर्षीय अफाम का शव, परिजनों में मचा कोहराम। धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमखेड़ा में जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति की मौत, लंबे समय से बीमार चल रहा था मृतक। धामपुर तहसील में आए नए लेखपालों के लिए किया गया परिचय सम्मेलन का आयोजन। एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने नए लेखपालों को सिखाई ड्यूटी को कर्तव्य निष्ठा से करने के गुण। त्योहारा में 70 वर्षीय महिला ने दो लोगों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। शेरकोट पहुंचे राज्य मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान ने जनसभा को किया संबोधित, 2017 के चुनाव में विकास के नाम पर की वोट की अपील। नगीना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट की दावेदारी कर रहे के रवि ने की प्रेस वार्ता, कहा पार्टी ने मौका दिया तो नहीं दूंगा शिकायत का मौका। बिजनौर में चल रही नुमाइश में आयोजित किशोर एंड मुकेश नाइट में कलाकारों ने बांधा समा, एसपी सिटी दिखे अलग अंदाज में। सिहारा में पूर्व पालिका अध्यक्ष अख्तर जलील के आवास पर बसपा की बैठक संपन्न। विजय दिवस के मौके पर नजीबाबाद की साहू जैन कॉलेज में कारगिल शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए देशभक्ति कार्यक्रम। हौसला पोषण योजना के तहत अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम अजीमुल्ला नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को खिलाया गया भोजन। अफजलगढ़ के ग्राम पंचायत चंपतपुर चकला में राशन डीलर के लिए खुली पंचायत के बाद ब्लॉक कर्मियों के साथ मारपीट, ग्रामीणों ने अधिकारियों की गाड़ी रोकी।